मैथ्स क्लासेस बाय रंजित कुमार में आपका स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 कर लिया था सेट में। अब हम लोग सेट में नई चीज़ जानने जा रहे हैं। नई जो चीज़ें हैं वह है, अभी नया टॉपिक है आपका सबसेट। ठीक है, सबसेट क्या होता है इसको समझने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं एक्स एक सबसेट है ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, वाई है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। मैंने एक्स जो सेट है वह आपके सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनका, वाई जो है सारे स्टूडेंट जो आपके क्लास में हैं। वी नोट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी हम लोग जान गए कि जो एक्स में जितने भी लोग होंगे वो सारे सारे वाई में जितने लोग होंगे सारे के सारे एक्स में होंगे। वी से दैट वाई इज सबसेट, तो हम लोग कह सकते हैं वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, द फैक्ट वाई इज सबसेट ऑफ एक्स, इसको हम लोग तब एक्सप्रेस कैसे करेंगे, सवाल ये है। तो इसके लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ये आपका जो सिंबल जो सी का उल्टा जैसे दिखाई दे रहा है इसको सबसेट का सिंबल कहते हैं। तो y इज सबसेट ऑफ x इसको बोलेंगे। द सिंबल ये सबसेट स्टैंड फॉर इज सबसेट ऑफ, है ना, या कंटेन इज कंटेन इन। ठीक है, ये दोनों बात कहेंगे, यानी कि ये जो लिखा है इसको हम लोग दो बातें कह सकते हैं, y इज सबसेट ऑफ x या फिर हम लोग बोलते हैं y इज कंटेन इन x, दोनों बातें कह सकते हैं। चलिए तो हम लोग डिफिनेशन में आते हैं। डिफिनेशन जानना जरूरी है। ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, इन ऑर्डर टू ए सबसेट बी या ए कंटेन इन बी इफ वेयर ए स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ ए एंड स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ बी इज ऑफन कन्वीनियंट टू यूज ऑफ सिंबल इम्प्लॉय दैट, इसको इम्प्लॉयज कहते हैं। ठीक है, यूजिंग सिंबल्स वी कैन राइट द डिफिनेशन एज फॉलो सबसेट, जैसे ए सबसेट बी इफ ए एलिमेंट बी इम्प्लाइज ए एलिमेंट बी। ये लाइन को आप समझ गए होंगे। We read the above statement as A is subset of B and a small a is element of A implies that A is also an element of B. If A is not subset of B, we write A is not, इसको काट दिया हमने, subset of B. उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, element A is in B. It is possible that every of B may or not be in A. If it so happen that every element of B is also in A, that we shall be write B subset A. यानी कि B के element A में होंगे तो B subset A लिखाएगा। In this case A and B are same set as, so that हम लोग A subset B या B subset A लिख रहे हों तो इसके लिए ये साइन का इस्तेमाल करते हैं, या A बराबर B लिखते हैं। इक्वल सेट आपने पढ़ा ही था पिछले बार, वेयर ये जो आप सिंबल इस्तेमाल करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग implications। ठीक है, मैंने इट इज़ अ सिंबल ऑफ टू वेज इम्प्लीकेशन एंड यूजुअली इनको रीड करते हैं इफ एंड ओनली इफ। हम लोग इसको ब्रीफ में एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं इफ। ठीक है, इफ तो द फॉलो अबव डिफिनेशन एवरी सेट ए सबसेट इट्सेल्फ, अपना खुद का सबसेट होता है, यानी ए सबसेट ए होता है, सिंस द एम्प्टी सेट has no element, कोई element नहीं होता है, we agree to say phi is a subset of every set, यानी सब सेट का या सारे सेट का सबसेट होगा क्योंकि phi कोई element नहीं होता है। चलिए कुछ examples हम लोग देख लें। The set Q, ये rational number का ये subset है,
जहाँ आर रियल नंबर है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रियल जो आपके रैशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर के एलिमेंट होते हैं। तो आपके क्या होंगे, ये सबसेट में हो जाएगा क्यू सबसेट आर, ठीक है, क्यू इज़ द सबसेट ऑफ आर। अब समझ ही गए होंगे आप लोग, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल डिवीज़न 56 के, तो आपके बी सबसेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर प्राइम डिवीज़न 56। उसी तरह से आपका देन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, एंड हम लोग लिख सकते हैं बी सबसेट ऑफ ए। तीन नंबर है आपका ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 और बी इज इक्वल टू एक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। देन हम लिख सकते हैं ए इज सबसेट बी और बी सबसेट ए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका नंबर आएगा वह ए और बी दोनों में समान आएगा, इसलिए हम लोग को ए इज इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। अब चार नंबर क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। ध्यान देंगे इसमें ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए बी है, ऐसे कंडीशन में आप लिख सकते हैं बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। लेट ए एंड बी बी टू सबसेट, तो ए सबसेट ऑफ बी और ए नॉट इज इक्वल टू बी, देन ए इज इक्वल टू प्रॉपर सबसेट बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए ऐसा समझें, 1, 2, 3 ए हो गया और बी हो गया 1, 2, 3, 4 हो गया। इफ़ ए सेट ए हैज़ ओनली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होता है इसमें, तो वी कॉल सिंगटॉन सेट, इसको बोलेंगे लेट ए इज ए सिंगटॉन सेट। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल पेश करते हैं। कंसीडर द सेट फाई ए इज इक्वल टू 1, 3 बी इज इक्वल टू 1, 5, 9 एंड सी इज इक्वल टू 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अब इसमें कुछ आपको सिंबल्स के इस्तेमाल करने हैं, जैसे आपको सबसेट नॉट सबसेट विदविन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन समझ लिया जाए। फाई तो सबसेट सबका होगा, क्योंकि फाई कोई नंबर ही नहीं होता, ठीक है, इसको नल सेट कहते हैं, इसलिए सबका सबसेट होगा, फाई इज द सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। और ए ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी होगा, देख लीजिए क्यों नहीं होगा, ए में क्या था 1, 3 था और बी में आपका 1, 5, 9, तो ये नहीं है, 3 के चलते नहीं होगा। ठीक है, 3 जो है एलिमेंट नहीं है बी का, इसलिए ऐसा नहीं लिखा हमने। अब चलिए ए सबसेट सी, तो ए हम लोग देख ले 1, 3 है और सी में 1, 3, 5, 7, 9 है, तो ये संभव है, 1, 3 जो है एलिमेंट है ए का, इसलिए ए बिलोंग्स टू सी होगा। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग बी सबसेट सी एज ईच एलिमेंट बी, बी इज एन एलिमेंट ऑफ सी, तो ये संभव है, बी का जो है 1, 5, 9 तो इसमें 1, 3, 5, 7, 9 सही है। चलिए तो अब हम लोग आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इसके बाद हम लोग एग्जांपल 10 से शुरू करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।